पार्टियों से जान पहचान भी थी उनका, जान हर हर क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट थे तो उनकी जी कई तंजीमों से और कई ऑर्गेनाइजेशन से जान पहचान थी और वो कई लोगों के साथ उठना बैठना था उनका। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और समाजवादी पार्टी में एक कोल अलायंस हुआ था चुनाव से पहले, जिसमें अच्छा इलियास साहब और जावेद यहाँ से थे और माननीय अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के, सीट तो इस शेयरिंग विधानसभा चुनाव में की हुआ बात था। बड़ी जी, और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें दोनों नेताओं ने कहा था कि हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग की बात हुई थी। सोशल मीडिया पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और प्रयागराज हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर के साथ तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। कभी मोहम्मद जावेद को अखिलेश यादव का फाइनेंसर बताया गया तो कभी बहुत ज्यादा करीबी। अब इनके बीच क्या संबंध है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, आइए जानते हैं इन बातों की सच्चाई इस वीडियो में। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। भैया, 10 जून को हुए हिंसा मामले के कथित मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप के घर पर जिला प्रशासन ने कल यानी 12 जून को बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि इस दौरान करेली इलाके के नवाब नगर को पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद 2 बुलडोजर के सहारे जावेद के घर को ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू हुआ। तभी देर शाम अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, ये कहां का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति ना हमारी संस्कृति देती है, ना धर्म, ना विधान, ना संविधान। और फिर अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी एक और तस्वीर। इस तस्वीर में अखिलेश के साथ एक बस्ता पकड़े प्रयागराज हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद दिख रहे हैं। तस्वीर को शेयर कर कोई लिख रहा था कि अब पता चला कि दंगाई का घर गिरने पर अखिलेश यादव को असहनीय पीड़ा क्यों हुई। प्रयागराज पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड जावेद पंप सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ, तो कोई लिखता दिखा कि अखिलेश यादव के दर्द का कारण यह जावेद पंप है जो अखिलेश यादव का फाइनेंसर है, इसीलिए यादव जी फड़फड़ा रहे हैं। वहीं कई और लिखते दिखे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ ये वही जावेद मोहम्मद है जिनका घर आज प्रयागराज प्रशासन ने ढा दिया। आदरणीय अखिलेश जी ने मकान ढह जाने के बाद ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की है। अब आइए जानते हैं ये तस्वीर कब की है। ये तस्वीर एडिट तस्वीर नहीं है, ये सही तस्वीर है। खुद मोहम्मद जावेद ने अपने फेसबुक पर इस तस्वीर को पोस्ट कर लिखा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वेलफेयर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष SQR इलियास के साथ आज लखनऊ के कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर सार्थक बात हुई और इन सब के साथ तारीख दिख रही है 17 जनवरी 2022 की। इस तस्वीर पर और विस्तार से हमें मोहम्मद जावेद की बेटी सुमैया और उनके वकील KK राय ने बताया। इसके अलावा जो है राजनीतिक पार्टी से भी मुलाकात होती थी, जैसे कि अखिलेश यादव के साथ आपके पिताजी की एक तस्वीर जो है काफी वायरल हुई है, 2017 की आई थिंक है, ये 2017 की तो नहीं है शायद, अभी कुछ साल पहले ही, अभी कुछ टाइम पहले ही की है, लेकिन इलेक्शन के टाइम की है। और हाँ, हमारे अब्बू की मतलब पार्टियों से जान पहचान भी थी उनका, जान हर हर क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट थे तो उनकी कई तंजीमों से और कई ऑर्गेनाइजेशन से जान पहचान थी और वो कई लोगों के साथ उठना बैठना था उनका। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और समाजवादी पार्टी में एक कोल अलायंस हुआ था चुनाव से पहले, जिसमें इलियास साहब और जावेद यहाँ से थे और माननीय अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के, तो इस विधानसभा चुनाव में हुआ था जी, और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें दोनों नेताओं ने कहा था कि हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे, सीट शेयरिंग की बात हुई थी और जावेद भाई चायल से प्रयासरत भी थे, सीट शेयरिंग में इनको सीट नहीं मिली, फिर भी वेलफेयर पार्टी ने चुनाव में समाजवादी गठबंधन का साथ दिया था, तो इस तरह के पॉलिटिकल रिलेशन थे। दूसरी चीज ये जो इलियास साहब का लड़का उमर खालिद है, उनका लड़का ये बाप है, वो बेटे हैं, उमर खालिद वामपंथी नहीं घोर वामपंथी है और माओवादी कहा जाता है, और इलियास साहब को आप दक्षिणपंथी कह सकते हैं, वो वेलफेयर पार्टी के होते हुए एक इस्लामिस्ट किस्म का एक तंजीम है, उससे भी जुड़े हुए जमाते इस्लामी करके क्या सोच है।
तो यहाँ जैसा कि जावेद की बेटी और वकील ने बताया कि जावेद की अखिलेश से विधानसभा चुनाव से पहले मुलाकात हुई थी, बकायदा दोनों के बीच जो है सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी की गई थी, टिकट की भी बात सामने आई। लेकिन साफ तौर पर जावेद के वकील ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में जावेद ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट भी किया। तो भैया सोशल मीडिया पर तस्वीर जो वायरल है वो सही है, लेकिन फाइनेंसर वाली बातें जो है इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं। बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक, पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।